नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बात बात में रोने वाली औरतें या लड़कियां कैसी होती हैं। जी हां दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी लड़कियों या औरतों का चरित्र कैसा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बात बात पर रोने वाली लड़कियों या औरतों के बारे में ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनको जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। कौन सी हैं वो 5 बातें, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अक्सर आपने ये देखा होगा कि लड़कियों की ये आदत होती है कि वो हर छोटी सी छोटी बात को लेकर इमोशनल होकर रोने लगती हैं, और हमारे समाज में ऐसी लड़कियां कमजोर समझी जाती हैं। लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वभाव से इमोशनल लड़कियों में बेहद खास गुण होते हैं। जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार भावनात्मक रूप से अच्छे होने के साथ साथ ऐसी लड़कियों में बहुत से गुण पाए जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। ऐसी लड़कियों से लड़के खुद को दूर रखने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बात बात पर रोने वाली लड़कियां अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत और गुणों से भरी हुई होती हैं। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि ज्यादा रोने वाली लड़कियों में क्या गुण होते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, ऐसा हमेशा से कहा जाता है कि बात बात पर रोने वाली लड़कियां अंदर से कमजोर होती हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी लड़कियां अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। इस तरह की लड़कियां एक बार रोने के बाद अपने किसी भी परेशानी को हंसकर सहन कर लेती हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि रोने से मन की टेंशन और दिमाग का तनाव निकल जाता है, जिससे ज्यादा रोने वाली लड़कियां बीमारियों से बची रहती हैं। इसीलिए तनाव से बचने के लिए रो लेना ज्यादा अच्छा होता है। एक बार मन भर के रोने से इनका मन शांत हो जाता है और इनके दिमाग में चल रही सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, और इसी वजह से ज्यादा रोने वाली लड़कियों के दिमाग में तनाव नहीं होता और कोई इनको किसी भी बीमारी का खतरा नहीं होता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि हर बात को लेकर इमोशनल होने वाली लड़कियां अपने जीवन साथी और फैमिली मेंबर से बेहद प्यार करती हैं। इनको अपने फैमिली मेंबर से दूर जाने से भी डर लगता है। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़कियां अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम करती हैं, और ऐसी लड़कियां कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती हैं। नंबर 4, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल लड़कियां अच्छी इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। वो अपने दोस्त के साथ किसी भी तरह की मुसीबत में खड़ी रहती हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती हैं। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी अंत में कहते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने के कारण ज्यादा रोने वाली लड़कियां दूसरे की भावनाओं को समझने में काबिल होती हैं। इसके अलावा वो दूसरों की भावनाओं पर हंसने के बजाय उनकी कद्र करती हैं। वो किसी के भी दुख दर्द को जल्दी से समझ लेती हैं और ये दूसरों के दर्द पर मरहम लगाने का काम भी करती हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है बात बात पर रोने वाली लड़कियों का स्वभाव और उनका चरित्र। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी लड़की है जो बात बात पर रोती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें।
फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।